नमस्कार समाचार में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अमित कनौजिया आज हम बात करेंगे वायु प्रदूषण की वायु प्रदूषण आमतौर पे हर जगह होता है लेकिन हमें हम हमें हम और आप जैसे लोगों को साधारणतः पता नहीं चलता पता इसलिए नहीं चलता जब तक आपको उसका साइड इफेक्ट नज़र नहीं आता तो इसी को लेकर के प्रदेश सरकार ने एक नई मुहिम शुरू की है जिसका नाम है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो कि भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ मिलकर के आज से एक नई मुहिम को लॉन्च किया गया है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वर्कशॉप में पहुंचे और उन्होंने वर्कशॉप में कई अहम बातें की उन्होंने सबसे पहली बात की कि जो ये जो वायु प्रदूषण की समस्या है वो ग्लोबल हो चुकी है पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है और भारत के पास वो वो लीडरशिप क्वालिटी है जो पूरी दुनिया को एक दिशा दे सकती है कि किस कि तरीके से वायु प्रदूषण से निपटा जाए क्योंकि भारत की जो सनातनी परंपरा रही है वहाँ पर पेड़ों को लगाने की एक हमेशा से एक आदत में शुमार है जिसकी वजह से हम जितने ज़्यादा पेड़ लगा लगाएंगे और कई उपाय करेंगे जिससे कि हम वायु प्रदूषण पर लगाम लगा सकते हैं साथ ही उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो पराली ना जलाएं जो कि जो भी फसलों के अवशेष हैं उन्हें जलाएं ना जिससे कि वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिले साथ ही उन्होंने आह्वान किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वायु प्रदूषण के बारे में जागरूक हों और ऐसे नियम ऐसे कानून फॉलो करें जिससे कि वायु प्रदूषण को रोकने में कामयाबी मिले तो कैसे रुकेगा वायु प्रदूषण और किस तरीके से ये जो मुहिम शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उस पर जानेंगे दो खास मेहमान हमारे साथ हैं आशीष तिवारी जी हैं सचिव हैं उत्तर प्रदेश प्रदूषण तो प्रदेश सरकार ने एक नई मुहिम शुरू की है, तो आप प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव भी हैं तो मैं आप ही से आशीष जी जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या नया करने जा रही है आपकी सरकार जी बहुत ही आपने एक ग्लोबल समस्या की तरफ सबका ध्यान आकर्षित किया है और सभी जानते हैं कि वायु प्रदूषण एक बहुत ही बड़ी समस्या है और हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के पंद्रह शहर नॉन अटेनमेंट यानी इनका प्रदूषण स्तर काफ़ी ज़्यादा है और भारत सरकार ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत इन शहरों के प्रदूषण को कम करने की एक मुहिम छेड़ी है और उस मुहिम में जो भी विभागों को दायित्व हैं काम करना है वो अपनी जगह हैं और एक वैज्ञानिक सोच को भी इसमें लाने के लिए नेशनल नॉलेज नेटवर्क का इसमें एक समागम किया गया है और आज उसी की एक पहली वर्कशॉप लखनऊ में हुई है जिसमें 18 प्रांतों से जहाँ पर वायु प्रदूषित शहर हैं उनके प्रदूषण बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरीज़ और जो हमारे ख्याति प्राप्त तकनीकी संस्थान हैं वायु प्रदूषण पर कार्य कर रहे हैं आई आई टीज आई आई एस सी और पीजीआई इस तरह के संस्थानों के नॉलेज पार्टनर्स वो यहाँ पर आए थे और आज कैसे वायु प्रदूषण से निपटा जाए कैसे वैज्ञानिक हस्तक्षेप उसमें किया जाए ताकि हमारी जो वायु प्रदूषण नियंत्रण की कार्ययोजनाएँ हैं वो और प्रभावी तरीके से क्रियान्वित हो सकें ज्योति प्रकाश जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ हम सब जानते हैं वायु प्रदूषण है उसके खतरे हैं लेकिन तब तक हम नहीं चेतते जब तक कि हमें किसी तरीके की समस्या नहीं होती चाहे वो शारीरिक तौर पर हो या मानसिक तौर पर हो आखिर ये आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों है ये हमारा समाज इतना जागरूक क्यों नहीं सब साक्ष, साक्षरता का एक रेशियो बढ़ा है सारी चीज़ें हैं इतनी अवेयरनेस प्रोग्राम है लेकिन क्यों ये दिक्कत है देखिए एयर पोल्यूशन का जो ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसके बारे में लोग जानते हुए भी शायद नहीं समझने की कोशिश करते ये तो सबसे पहले उनको समझना ही होगा कि जो एयर पोल्यूशन है उनको लगता है कि हम में से कोई प्रॉब्लम नहीं है हम घूम रहे हैं और जब तक उनको डायरेक्टली कोई उसके उनके शरीर पर इम्पैक्ट नहीं होता है उनके सांस में या उनको आँखों में कोई जलन की प्रॉब्लम नहीं होती है तो वो उन्हें उन्हें ऐसा लगता है कि शायद कोई हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी जिसके ऐसी सारी प्रॉब्लम्स हमें हो रही हैं पर जो वायु प्रदूषण की प्रॉब्लम है अगर हम एक डब्ल्यू की रिपोर्ट देखें तो डब्ल्यू की रिपोर्ट के अनुसार हर साल वन मिलियन के करीब जो डेथ होती है प्रीमेच्योर डेथ होती हैं वो एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं अब एयर पोल्यूशन या हम कह लें कि जो इन्वामेंट की जो, जो जागरूकता वाला जो प्रोग्राम है ये सभी लेवल पे स्कूल लेवल से लेकर के और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक ये कोर्स हर सब सभी जगह इंट्रोड्यूस कर दिया है कि एक तो लोगों को इसके बारे में बेसिक अवेयरनेस हो सके कि हाँ ये प्रदूषण जैसी क्या चीज़ है जिससे हमें कैसे बचना होगा जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं होगी तब तक उस प्रोग्राम को वो समझ नहीं सकेंगे कि हमको इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं तो काफ़ी हद तक लोगों में इसके लिए जागरूकता शुरू हुई है जैसा नेशनल आ, क्लीन एक्शन ईयर प्रोग्राम जो शुरू हुआ है इसमें ये बताया इन्होंने कि हमको कंट्रोल प्रिवेंशन कंट्रोल और एबैटमेंट की स्ट्रैटीज़ अपनानी होगी हम अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बातें ही बातें करें कि हमको एयर पोल्यूशन की रोकथाम करनी है बातें करने से अब कुछ नहीं होगा हमको आगे बढ़ कर के उसके लिए रोकथाम के साधन अपने सब जो भी तकनीक है तक्न, टेक्नोलॉजी है वो हमें उसको इस्तेमाल में लानी होगी अब अगर हम लखनऊ की ही बात करें तो जगह जगह इन्होंने मॉनिटरिंग स्टेशंस बनाए हैं होर्डिंग्स लगाए हैं और उन सारे के सारे होर्डिंग्स पर डिस्प्ले होता है कि हमारा जो सस्पेंडेड पार्टिकुलर्ट मैटर है पी एम है और कार्बन uh, मोनोऑक्साइड उसका क्या लेवल है आज वो हेजार्डस है या नहीं है जो ले मैन है एटलीस्ट वो उस बोर्ड को देख कर कि ये समझ सकता है कि हाँ हेजार्डस हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक है अगर उसके लेवल को कंसन्ट्रेशन को नहीं समझता है तो कम से कम उसमें लिखे हुए शब्द को समझ जाता है कि आज का जो वायु प्रदूषण है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है मैं आपसे उसकी वायु प्रदूषण के जो फैक्टर्स हैं वो जानूंगा लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ इन्होंने जैसे कहा ज्योति प्रकाश जी ने कि आप बातें करके कई सारे वर्कशॉप करके लेकिन अब वक्त है एक्शन लेने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि हमारे जो जनता है उतनी जागरूक नहीं है तो आज जो वर्कशॉप की है आपने जो एक आउटकम क्या निकल के आया और किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे बहुत ही आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है वायु प्रदूषण के नियंत्रण में जागरूकता की अपनी एक बहुत बड़ी महत्ता है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि प्रदूषण का स्तर क्या है जब तक सामान्य नागरिक ये नहीं जानेगा कि प्रदूषण कितना है और उससे हमें क्या नुकसान होगा हम लोग और नागरिक जन सहयोग इस दिशा में काम करने के लिए नहीं प्राप्त हो सकेगा आज एक मोबाइल ऐप है समीर जिसका नाम है और वो मोबाइल ऐप सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा विकसित किया गया है तो कोई भी नागरिक उस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके जहाँ जहाँ पर स्वचलित वायु अनुश्रवण केंद्र लगे हुए हैं उन पर क्या वायु प्रदूषण का डेटा है इसको देख सकता है और साथ ही साथ उसमें उस ऐप में, उस में ये भी दिया हुआ है कि किस लेवल पर यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये शुरुआत होती है कि हम पहले वायु प्रदूषण के स्तर को जानें अब दूसरी बात है जागरूकता की जागरूकता के लिए निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात है कि जब तक हम ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे जब तक हम अपने शहर के कूड़े का समुचित प्रधन प्रबंधन नहीं करेंगे जब तक हम जो भी वहाँ पर रोड पर धूल होती है निर्माण परियोजनाओं में धूल होती है उसको रोकने के लिए प्रयास नहीं करेंगे वायु प्रदूषण कम नहीं हो पाएगा आईआईटी कानपुर ने जो लखनऊ शहर के लिए सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी की है जिससे ये जाना जा सकता है कि कौन से स्त्रोत का कितना वायु प्रदूषण है तो लखनऊ शहर में सतासी परसेंट प्रदूषण केवल धूल के कणों से है तो आज एक जागरूकता आने की जरूरत है कि जो भी हमारी निर्माण परियोजनाएँ चल रही हैं उनमें वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रॉपर स्कैपोल्डिंग जाली निर्माण सामग्री को ढक्के रखना कच्चे रास्तों पर पानी का छिड़काव और इस तरह के सारे साधन प्रयोग किए जाएं आम नागरिक जब जागरूक हो जाएगा तो निश्चित तौर पर ये एक जनता के एक प्रकार से प्रेशर से और सरकारी प्रयासों से निश्चित तौर पर वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने में सहायता मिलेगी प्रकाश जी जैसा कि जागरूकता की बात की मैं आपसे जानना चाहता हूँ एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसे बढ़ता है मैं, आ, मैं ही आप मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं हमें सुन रहे हैं वो जान सके आखिर क्या और एक पी है जिसको पर्टिकुलर मैटर कहते हैं कब किस स्थिति में ख़तरनाक हो जाता है ये थोड़ा सा अगर आप हमें हमारे दर्शकों को बता सके क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कर, ताकि उन्हें भी पता चले कि अब एयर क्वालिटी इंडेक्स देखिए गड़बड़ हो गया अब हमें जागने का वक्त है <coughs> इसमें सबसे पहले तो यह है कि मोटा मोटा ये लोग जानते हैं एयर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं हमारे इसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स मैटर हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स मैटर्स जो कि हमारे सराउंडिंग में चारों तरफ घूमते रहते हैं बड़े बड़े जो डस्ट पार्टिकल्स हैं और साथ में पार्टिकुलर्ट्स मैटर पी एम और पी एम टू जो कि आ, हम जिसको कि जब सांस लेते हैं इवन कि हमारे सराउंडिंग में यहाँ पर जहाँ भी हम बैठे हुए हैं इतने सूक्ष्म कण होते हैं कि जिनको हम अपनी सांसों के थ्रू अपने अंदर ले जाते हैं और वो हमारे जाकर के सांस नली में जाकर के वो अटक जाते हैं तो जब ये जो जगह जहाँ पर मैंने अभी आपको पहले बोला कि होर्डिंग्स लगी हुई थी जहाँ पर डिस्प्ले करते हैं तो वहाँ लिखा होता है ज़ीरो टू फाइव अगर ज़ीरो टू तो फ़ाइव है इसका मतलब कि वो हमारा विद इन परमिशमिन लिमिट है और उससे हमको उसको कोई खतरा नहीं है जैसे ही 50, जीरो तो फिफ्टी ज़ीरो टू फिफ्टी नॉट जीरो टू फाइव ज़ीरो तो टू फिफ्टी होता है तो वो हमारे लिए कंप्लीट है और उसके हम उसके कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है पर जैसे ही वो फिफ्टी को क्रॉस करता है तो बताता है कि मॉडरेटली हमारी इसके हार्मफुल इम्पैक्ट हो सकते हैं पर जब ये 50 से 100, 100 से 150, जब ये 500 को पूरा ही क्रॉस करता है तो धीमे धीमे उसकी सीवियरिटी बढ़ती चली जाती है तो जब उस डिस्प्ले पर जब लोग देखते हैं जो लेन है जिसको कुछ भी नहीं पता है तो उसको देख करके समझ जाता है कि हाँ यहां पर ये इसका कंसंट्रेशन इतना हाई हो गया अब ये हमारे लिए हार्मफुल यहां पर हो गया है अब एयर प्रदूषण की जो समस्या है एयर प्रदूषण को छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि एयर पोल्यूशन क्या है हम इसकी जो शुरुआत है अपने घर से ही देखते हैं जैसे हम झाड़ू लगाते हैं या कुछ भी करते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हैं वो भी पार्ट है हमारे एयर पोल्यूशन का तो हम उस एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं लास्ट ईयर डब्ल्यू एच ओ की और एक टेरी की रिपोर्ट आई थी टेरी की रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि जो हमारे ट्रक्स हैं हेवी व्हीकल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं एयर पोलूशन के लिए उसके बाद है हमारे फोर व्हीलर्स इंडस्ट्रीज़ तो हमारी हैं ही इंडस्ट्रीज़ तो सबसे टॉप पर हैं अगर हम कहें तो फिर जो सबसे लास्ट में आता है वो होता है पराली कहते हैं कि पराली जलाने से पोल्यूशन का लेवल अचानक से शूटअप कर गया पर जो हम पराली जलाते हैं वो पराली हम जलाते ही कितने दिनों के लिए हैं वो हमारा चलता शुरुआत होती है नवंबर से लेकर दिसंबर तक पर जो ये हमारे एयर पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जिसको कि हम आज भी हम लोगों ने जिसको फेस किया लखनऊ के अंदर इस्मोक जिसको कहते हैं इस्मोक फॉग प्लस स्मोक जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं स्मॉग तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स है क्योंकि हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन है हिंदुस्तान की हमारे यहाँ डस्ट तो देखिए है हम उस डस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते पर हाँ उसको हम कुछ हद तक रोक सकते हैं हम प्लांट्स लगा करके जब सड़कों पर झाड़ू अगर लग रही है तो हमने पानी का छिड़काव कर दिया जब डस्ट पार्टिकल्स एयर पोल्यूशन का लेवल जब बहुत हाई हो गया तो हम आर्टिफिशियल रेन करवा सकते हैं वहाँ पर तो कुछ कुछ ऐसे स्टेप्स हम ले सकते हैं जिससे कि हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं आशीष जी आपका जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है प्रदेश का वो अक्सर जुर्माना लगाने के लिए तो जाना जाता अभी पिछले दिनों ये खबर आई कि आपने गाजियाबाद के कई कंपड़ी जो फैक्ट्रियाँ हैं या कंपनियों कह लीजिए जो संस्थान प्रदूषण फैलाने के उसमें आपने भारी भरकम जुर्माना लगाया आपको लगता है ये 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 इस तरीके से इस रास्ते से ही प्रदूषण पे लगाम लगाई जा सकती है या कुछ और भी तरीके हैं जो कि आपका बोर्ड उस पर एग्जीक्यूट करेगा और उसके जरिए भी इस पर कुछ लगाम लगेगी देखिए प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हमारी रणनीति त्रिकोणी है एक तो जो ग्रॉसली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं जो जहाँ पर प्रदूषण के नियंत्रण में कोई सुधार नहीं आता है बराबर चेतावनी देने के बावजूद भी बराबर अलर्ट्स देने के बावजूद भी बराबर शो कॉज नोटिस देने के बावजूद भी तो वहाँ पर पॉल्यूटर पॉल्यूटर स्पे प्रिंसिपल की तरह आ, के आधार पर हम लोग जुर्माना लगाते हैं और जुर्माना लगाना एक प्रकार से दंड अपनी जगह पर माना जा सकता है परंतु उसका ज़्यादा सकारात्मक दृष्टिकोण ये है कि उस जुर्माने के धनराशि से उस इलाके के प्रदूषण से जो नुकसान हुआ है पर्यावरण को उसके सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं एक तो ये हमारी रणनीति होती है दूसरी रणनीति होती है इंडस्ट्रीज़ में जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं तो सेक्टर वाइज इंडस्ट्रीज़ की बेंच मार्किंग होती है और इंडस्ट्रीज़ को चिन्हित किया जाता है उसके बाद एक कॉन्सल्टेटिव प्रोसेस होती है कि कैसे आप अपने प्रदूषण स्तर को सुधारें कैसे आप चार्टर्स को फॉलो करें अपनी प्रोसेस में कौन से चेंज लाएं कौन से सिस्टम्स लगाएं तो वो एक प्रकार से हमारी गाइडलाइंस और हमारे एसओपी और चार्टर्स भी बनते रहते हैं जिसको एक सुझावात्मक रूप से इंडस्ट्रीज़ को पोल्यूशन के सोर्सेस को फॉलो करना होता है और तीसरी स्ट्रेटजी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण है आई एक्टिविटीज़ यानी जो अवेयरनेस की एक्टिविटीज़ होती है जैसे आपको खुशी होगी कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक पर्यावरण प्रहरी कार्यक्रम को चालू किया है पर्यावरण प्रहरी कार्यक्रम एक छोटा सा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत कोई भी आम नागरिक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के यूपी एनवायरमेंट कंप्लायंस पोर्टल पर जाके एक रजिस्ट्रेशन कर सकता है और उस रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको एक छोटी सी ट्रेनिंग दी जाएगी और उस ट्रेनिंग को प्राप्त करने के पश्चात वो पर्यावरण प्रहरी के रूप में चिन्हित हो जाएगा और वो एक प्रकार से हमारे सचेतक का कार्य करेगा पर्यावरण जागरूकता के लिए और पर्यावरण जागरूकता के जो विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न दिवसों पे चलाए जाते हैं जैसे पृथ्वी दिवस है पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस है ओजोन दिवस है या फिर विश्व वानिकी दिवस है या वन महोत्सव है इन सभी समयों पर वो स्कूल में जाकर इको क्लब्स को जोड़कर और एक अवेयरनेस का काम करेगा और उसके लिए अवेयरनेस मॉड्यूल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के द्वारा तैयार करके उनको वेब पोर्टल के माध्यम से दिए जाने की एक योजना बनाई गई है तो ये तीन स्ट्रेटजी पे हम लोग चलते हैं और इसमें सुझावात्मक भी है और दंडात्मक भी है और जागरूकता <coughs> भी है ये तीनों स्ट्रेटजीज पर आशीष जी मेरा एक, एक सवाल है उसी में आपने कहा पर्यावरण प्रहरी तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने इसमें जो समाज के जो लोग हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं जो अवेयरनेस कह लीजिए या जो सम, जो आसपास अपने प्रदूषण को नियंत्रित करने में कहीं ना कहीं एक योगदान दे रहे हो क्या उनको भी शामिल किया गया बिल्कुल ये पर्यावरण प्रहरी में आम नागरिक भी अब रजिस्टर हो सकते हैं संस्थाएं भी रजिस्टर हो सकती हैं आपने बिल्कुल सही कहा बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि बहुत ही भागीरथ कार्य कर रही हैं प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में ऐसी संस्थाओं को भी हम लोग जोड़ रहे हैं कॉरपोरेट सेक्टर्स को भी हम लोग जोड़ रहे हैं आप सभी लोग जानते होंगे कि पहले कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत बहुत सारे कॉरपोरेट सेक्टर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए जुड़ते थे 2018 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कॉर्पोरेट इन्वायमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी एक एक, एक भारत सरकार ने आदेश निर्गत किया है जिसके अंतर्गत नई परियोजनाओं को पर्यावरणीय जिम्मेदारी के तहत अपनी लागत के दो प्रतिशत अमाउंट को पर्यावरण सुरक्षा के कार्यों में खर्च करना होता है उसमें भी हम लोग उनको अनुरोध करते हैं कि आप संस्थाओं को और इनको जोड़ें अपने साथ ताकि बड़ा ही प्रभावी कार्य इस दिशा में हो सके ज्योति जी आपने अभी आशीष तिवारी जी को सुना कि इन्होंने कहा कि हमने समाज के उन लोगों को भी जोड़ संस्थाओं को भी जोड़ने की कोशिश की है जो कि पर्यावरण बचाने की दिशा में काम करें मैं आपसे जानना चाहता हूँ आप प्रोफेसर हैं पढ़ाती हैं आपको लगता है कि हमें ग्रास रूट लेवल पे जो बच्चे हैं आज की आज के अगर न, उस समय पर नज़र डालें तो बच्चे बहुत सारे कई जो मुहिम है इनिशिएटिव है उसमें बहुत एक्टिव रोल प्ले करते तो आपको लगता है कि हमें उस उनको भी जोड़ने की ज़रूरत है क्योंकि अक्सर हमने देखा निबंध और प्लाकार्ड बैनर तो बहुत दिखते हैं लेकिन स्कूलों में इस तरीके के प्रोग्राम हो यूनिवर्सिटीज़ में इस तरीके के प्रोग्राम हो ताकि हम अपने घर कहते हैं न कि अपने घर से ही शुरू करें वो चैरिटी आपको लगता है ऐसा कुछ ये आपने बिल्कुल सही बात बोली है क्योंकि जैसा कि मैं प्रोफेसर हूं और मैं बच्चों को पढ़ाती हूं तो ये मैंने देखा भी है कि बच्चों में अब अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और बच्चों को क्योंकि हमारा यूथ ही हमारा फ्यूचर है तो बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ करके भागीदारी लेना शुरू कर दिया है और बच्चे हम लोग को नहीं समझ में आता जैसे उन्होंने बोला कि इनका जो प्रहरी प्रोग्राम शुरू हुआ है तो बच्चे टाइम टू टाइम बच्चों को जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है कि सच एंड सच जगह पर यह प्रोग्राम हो रहा है बच्चे तुरंत वहाँ जाते हैं और बच्चे बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं और बच्चों का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो सच में बहुत बढ़िया होता है क्योंकि जो बच्चे जो इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं क्योंकि वो पढ़ रहे हैं वो देखते हैं और वो जो रियल चीज़ें फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में उसके अकॉर्डिंगली ही वहाँ पर चाहे उनका निबंध का हो या पोस्टर का हो या अपने प्रजेंटेशन के थ्रू हो वो अपना प्रजेंटेशन देते हैं और बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भागीदारी लेना शुरू कर दिया है बच्चे इवन के बच्चे अपनी ही छोटी सी कोई एन जैसा बना लेते हैं या कुछ करते हैं और टाइम टू टाइम जाकर के कभी कैंपेन कर रहे हैं कभी जाकर कहीं पे कोई स्लोगन चला रहे हैं मतलब वो अपना टाइम टू टाइम इस चीज़ के लिए प्रोडेस्ट करते रहते हैं कि हमको इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है और वो हमें कैसे क्लीन रखना है ये बच्चों से बेहतर और कोई नहीं जानता हम भले ही पॉलिसीज़ बनाते हैं पर बच्चे उसको एग्जीक्यूट करते हैं बच्चे उसमें काम करना शुरू कर देते हैं आशीष जी एक महत्वपूर्ण मैं आपसे सवाल कनेक्ट करना चाहता हूँ आज मुख्यमंत्री ने भी योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि ये वैश्विक समस्या बन गई है और क्लाइमेट चेंज एक ऐसी ऐसा इश्यू है जिस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ग्लोबल जो कह सकते हैं मंच पर ये सवाल को उठाते रहे हैं तो आपको लगता है कि वायु प्रदूषण और ये जो क्लाइमेट चेंज है ग्लोबली एक बड़ी विकराल समस्या बन रहा है और आज मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर नेतृत्व तो क्षमता है और भारत में वो नेतृत्व तो क्षमता है कि वो सारे जो है इस ऑब्स्टिकल है जो अवरोध है वायु प्रदूषण और क्लाइमेट दूर करने का उसको कर सकता है आप कैसे देखते हैं इस उसको जी बहुत ही आ, मतलब मैं कहूँगा कि एक आपने बहुत ही अच्छी सुझाव के तौर पर ये बात चर्चा शुरू करी है क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें वायु प्रदूषण जल प्रदूषण भूगर्भ जल का डिप्लीशन या फिर बाढ़ आना या फिर मौसम चक्र में परिवर्तन होना ये बहुत बड़ा इशू है और जिसके दुष्प्रभाव आज काफ़ी जो हमारे सामने आ रहे हैं और आपने देखा है कि काफ़ी लेट रेन्स इस बार हुई हैं बारिश उत्तरार्ध में आ, मौसम के काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है बाढ़ की समस्या सब जगह रही है कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट चेंज का ही निश्चित तौर पर दुष्परिणाम है और वायु प्रदूषण की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं क्लाइमेट चेंज को जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के उसके तहत निपटने के लिए तीन गोल्स निर्धारित किए गए हैं गोल नंबर 12 जो कि सतत उत्पादन एवं उपभोग पैटर्न सुनिश्चित करना गोल नंबर 13 जो कि सीधा सीधा क्लाइमेट चेंज से संबंधित है और गोल नंबर पंद्रह जो पृथ्वी पर जीवन से संबंधित गोल है इन तीनों गोल्स में यदि आप देखेंगे मुझे बार बार याद आती है महात्मा गांधी जी की वो बात कि जो हमारी पृथ्वी है वो हमारी जरूरत की पूर्ति करने के लिए तो पर्याप्त है हमारी लालच की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो यदि हम सतत उत्पादन और उपभोग पैटर्न की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आज हम लोगों को सभी को इन्वामेंट रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर बनना है ऐसा उपभोक्ता जो कि पर्यावरण के प्रति जवाबदेह हो जिम्मेदार हो ऐसी प्रैक्टिसेस को अपने अंदर लाना है इसमें व्यवहार परिवर्तन एक बहुत बड़ी बात है दूसरा इंडस्ट्रीज़ में ग्रीन प्रोडक्टिविटी यदि ऐसी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिलना चाहिए जो कि उत्पादन की प्रक्रिया में ग्रीन प्रोसेसेस को अपनाती हैं ग्रीन स्किल्ड लेबर का प्रयोग करती हैं यानी कि ऐसी मानव संसाधन का उपयोग करती हैं जो कि जिससे रिसोर्स यानी कि संसाधन की दक्षता आती है ऊर्जा की दक्षता आती है या किसी भी तरह से हम पर्यावरण को कम से कम नुकसान करेंगे कार्बन उत्सर्जन कम होता है ऐसे चीज़ों को हमें करना है परंतु ये होगा कैसे यक्ष प्रश्न ये है तो ग्रीन प्रोक्योरमेंट को हम यदि बढ़ावा देंगे ऐसे उत्पादों को हम अपने सरकारी नीतियों में बढ़ावा देने के ओर जाएंगे जिस जो कि ग्रीन प्रोडक्टिविटी से जनरेट होके आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये पूरे एक जो वैश्विक समस्या है क्लाइमेट चेंज की उस सब उससे निपटने पर बल मिलेगा और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो आ, क्लाइमेट चेंज के दुष्परिणाम हैं उससे बचने के लिए हमें एक क्लाइमेट एडाप्टेशन यानी पर्यावरण अनुकूलन का कार्य करना है उसका एक सबसे जो प्रासंगिक उदाहरण उत्तर प्रदेश के लिए हमारे राज्य के लिए बाढ़ की समस्या तराई क्षेत्र में बहुत आती है शारदा सरयू इन नदियों में और घाघरा तो इन नदियों में हमारे फ्लड प्लेन जोन जो होते हैं कानूनन नदी का एक फ्लड प्लेन जोन कानूनी रूप से डिक्लेयर होना चाहिए और उस फ्लड प्लेन में कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होना चाहिए जिससे कि उस फ्लड प्लेन में या नदी के स्वास्थ्य को खतरा बने तो ऐसे यदि रेगुलेशन हम पर्यावरण अनुकूलन के लेके आएंगे तो निश्चित तौर पर जो जलवायु परिवर्तन है उसकी समस्या से हम लोग निपट पाएंगे ज्योति जी आपके बगल में बैठे हैं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव एक तरीके से कह सकते हैं वो करता धरता जो इस प्रदेश में प्रदूषण पर मैं एज आप पर्यावरणविद हैं प्रोफेसर हैं मैं आपसे जानना चाहता हूं इस दूरदर्शन के ज़रिए कि आप सरकार से क्या चाहती है किस दिशा में वो काम करें और जो आपको लगता है कि यहाँ पे अगर बताओ पर्यावरण और जानकार कि यहाँ पे सरकार को एक कदम उठाना चाहिए जिससे कि इस दिशा में सकारात्मक वृद्धि होगी और हम जो हमारी एक विकराल समस्या है उस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण लगेगा या आपको लगता है कि सरकार को करना चाहिए या फिर इस तरीके से होना चाहिए हो सकता है सरकार को नहीं लेकिन समाज को हमारे आप जैसे लोगों को वो काम करना चाहिए देखिए सरकार ने तो बहुत सारे कदम उठाए हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाया गया है और मेरा मानना ये है कि सरकार का तो काम था कि प्रोग्राम को चलाना उसमें जो बढ़ चढ़ करके भागीदारी लेने की जो बारी जब आती है वो आती है आम जनता की क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन की बात अभी हुई कि वायु प्रदूषण कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है जलवायु परिवर्तन के लिए और चाहे एयर प्रदूषण हो चाहे डेजर्टिफिकेशन हो चाहे वाटर पोल्यूशन हो सारे के सारे जितने भी पोल्यूशन है सारे के सारे पोल्यूशन जलवायु परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तो सरकार ने अब टाइम टू टाइम अपने प्रोग्राम्स को चला दिया लास्ट में उन्होंने कहा कि बी एस फोर इंजनस के व्हीकिल्स चल रहे हैं वो समय कम है तो ज, जितनी जल्दी अपनी बात रख पाएंगे तीस सेकेंड में मैं उतना ही समय दे पाऊंगा आपको मा, माफ़ी चाहता हूं लेकिन समय कम है थोड़ा सा तो अभी जो बायोफ्यूल है बायोफ्यूल का जो प्रोडक्शन है जिसको ग्रीन एनर्जी हम कहते हैं उस ग्रीन एनर्जी के तहत उसका प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हुई है तो जिससे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है वो कम हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम हो जाएगा जब उन सारी गैसेज का इमिशन जब कम होने से हमारे इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं उसमें चेंज आएगा ही आएगा हम ये नहीं कहते कि हम एक ही बार में 100 परसेंट कंट्रोल कर लेंगे पर कुछ हद तक हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं एक चीज मैं और बहुत कहना बहुत चाहूं। जी 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 एक चीज मैं और कहना चाहूंगी अभी जो एक्शन प्लान इनका जो शुरू हुआ है उन्होंने ये कहा कि हम हम 2024 तक में हम जो पीएम पीएम 2.5 और PM 10 है उसको हम 22 30 रिड्यूस करना चाहते हैं तो जब ये रिड्यूस हो जाएगा इसमें कुछ लगेगा तो शायद कुछ बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का आशीष जी ज्योति जी आप दोनों ही आए और वायु प्रदूषण और इसके इम्पैक्ट के ऊपर अपने अपने विचार रखे तो फिलहाल चर्चा में इतना ही धन्यवाद